हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और हमारी सी प्लस प्लस की इस डी एस ए सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। आई एम संकेत सिंह और आज हम लोग अपनी रिकर्जन पे जो डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग रिकर्जन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे आप रिकर्जन को और सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। राइट, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप और अच्छे से रेकरेंस रिलेशंस लिख सकते हैं रिकर्सिव फंक्शंस के लिए। थोड़ा ड्राई रन करेंगे प्रॉब्लम्स को, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख लिया था कि रिकर्जन होती क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ हमने उसको मैपिंग करके देख लिया था। राइट, कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने देखा कि कैसे आप रिकर्जन की प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि भाई हमारे पास सेल्फ वर्क होता है, रिकर्सिव इंट्यूशन होती है और बेस केस होता है। हर एक टर्म को हमने डिफाइन करा, साथ ही साथ हर रिकर्सिव फंक्शन को हमने ड्राई रन करके देखा कि एग्जैक्टली कैसे जब आप एक फंक्शन कॉल करते हो तो कैसे कॉल स्टैक में एक एंट्री होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कैसे कॉल स्टैक ग्रो होती है। ये सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। राइट, आज के इस लेक्चर में हम लोग दो से तीन और प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे। राइट, हर प्रॉब्लम को बहुत ही तसल्ली से हम लोग सेग्रीगेट करेंगे कि और डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। राइट, अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पढ़ी और उसका सॉल्यूशन बनाने लग जाएंगे। नहीं, हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन को सोचा जा सकता है। रिकर्जन इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। रिकर्जन में ज्यादा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन की फाइट नहीं होने वाली है, रिकर्जन में हमेशा लॉजिक की फाइट होने वाली है। हम लोग ये देखेंगे कि आप लॉजिक बना कैसे सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज। राइट, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लेक्चर, आई होप यू गाइज आर टू। बट पहले लेक्चर में जाने से पहले आई वुड रेकमेंड यू गाइज कि अगर अभी तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट चेकआउट नहीं करी है, सो डू चेकआउट द वेबसाइट ऑफ पीडब्ल्यू स्किल्स। वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स के लिए नोट्स और असाइनमेंट मिल जाएंगे। ये असाइनमेंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आपको मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूं, इन लेक्चर्स में कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बट क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो, ये देखना, ये चेक करना बहुत जरूरी है। वो असाइनमेंट ही आपकी लर्निंग का एक बहुत मेजर क्रक्स निकल के आने वाले हैं। उन असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। राइट, असाइनमेंट में देखो नए क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं, तो एक बार तुम वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, खुद से कर लेते हो या फिर मान लो हम सॉल्यूशंस रिलीज करते हो उसको देखते हो, तो आपको ना आइडिया डॉट कनेक्ट होने लग जाते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं लगता, आपको वो इंट्यूशन बिल्ड होने लग जाती है कि हाँ यार, अगर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो इससे मिलते जुलते ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ये चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग एक बार पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट चेकआउट कर लो, ये सारे असाइनमेंट्स और नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट। एग्जॉस्टिव रखने वाले हम लोग, काफी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और इस रिकर्जन के एप्लीकेशंस तो ऑफकोर्स आगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में भर भर के रहेंगे। दैट बींग सेट, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडे सेशन एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है फोक्स, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। राइट, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिकर्जन की प्रॉब्लम्स देखी हैं और जो हम लोग आने वाले टाइम में भी जो भी रिकर्जन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, हर एक प्रॉब्लम में हम लोग सेम टेक्निक सेम अप्रोच रखने वाले हैं। सो अभी दो और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जिसका यूज करके मैं ये कंसेप्ट और कंक्रीट कर दूंगा आप लोगों के दिमाग में कि इसी तरह की सिमिलर अप्रोच से आप आने वाले कोई भी रिकर्सिव एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर फाइंड आउट सम ऑफ इट्स डिजिट यूजिंग रिकर्जन। आपको आपके सामने एक इंटीजर वैल्यू गिवन है और आपको उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करके लाना है बट रिकर्सिवली। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके पास नंबर है एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। राइट, सो दिस इज अ फोर डिजिट नंबर, चार डिजिट का नंबर है ये, तो इस नंबर के लिए आंसर होगा 4 + 3 + 2 + 1, दैट इज 10। राइट, सी 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। राइट, सो आपको क्या करना है, आपको एक इंटीजर वैल्यू गिवन होगी, इंटीजर वैल्यू है तो बहुत सारे डिजिट्स होंगे उसमें, उसके सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड करना है। जैसे यहां पे डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, तो आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4, जिसकी वैल्यू है 10। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से n इज इक्वल्स टू 653, सो आंसर क्या होगा, 6 + 5 + 3, 6 + 5 = 11 + 3 = 14, सो द आंसर विल बी 14। राइट, सो आपको सारे के सारे डिजिट्स का सम कैलकुलेट करके लाना है
इकलौती कंडीशन जो आपको गिवन है कि आपको ये काम रिकर्सिवली करना है, यू हैव टू यूज रिकर्जन, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब अभी तक रिकर्जन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जो फंक्शन एक बिगर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं कहता हूं लेट्स राइट अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ लिखते हैं एंड लेट्स से एफ ऑफ एन, राइट। ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, राइट। ये फंक्शन आपके डिजिट्स का सम आपको रिटर्न करके देने वाला है, ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि आपको ये कैसे पता लगा कि इसमें सिर्फ एन का ही पैरामीटर होना चाहिए, तो देखो हमारे पास सिर्फ ये नंबर गिवन है और नंबर से उसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, राइट। सो हमें और किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनपुट में अगर ये नंबर भी आएगा तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, राइट। दैट्स व्हाई मैंने खाली एक पैरामीटर रखा है एन, जो कि क्या है, गिवन नंबर, एन हमारा गिवन नंबर है, गिवन इनपुट इंटीजर, ठीक है। चलो अब इस एफ ऑफ एन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको तीन चीजें फिगर आउट करनी है, बेस केस, सेल्फ वर्क एज वेल एज अजम्पशन, एज वेल एज अजम्पशन, ठीक है। तो आपको बेस केस, सेल्फ वर्क और अजम्पशन फिगर आउट करके लाना है, आपका काम अपने आप बन जाएगा। चलो देखते हैं। अब सोचने की बात तो यह है कि बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होने वाला है। यार अगर एक बात बताओ, जो इनपुट नंबर है वो 9 या 9 से छोटा हो, 0 से 9 के बीच में हो, तो उसका आंसर तो वो नंबर खुद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से एन की वैल्यू है 8, सो एक ही डिजिट है तो सम क्या होगा, एन के बराबर ही होगा, दैट इज 8। लेट से एन की वैल्यू है 2, एक ही डिजिट है तो सम क्या होगा, 2। सो कैन आई से दैट बेस केस क्या रख सकते हैं कि इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू 9, रिटर्न एन, राइट। अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो ये बेस केस एक्चुअली क्या कहता है, इफ यू हैव अ सिंगल डिजिट नंबर, अगर आपके पास एक सिंगल डिजिट का नंबर है देन आंसर इज नंबर इटसेल्फ, तो आपका आंसर क्या है, वो नंबर खुद ही है, क्योंकि जब एक से ज्यादा डिजिट ही नहीं है तो सम किसे करेंगे, एक ही डिजिट है वही आंसर होगा। सो बेस केस तो देखो बहुत ही सिंपल है। अब अजम्पशन की बात मुझे करनी है, तो अजम्पशन फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानू कि भाई मुझे n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, इसका सम कैलकुलेट करके लाना है। यार अब 1, 2, 3, 4 के सारे डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यार अगर मुझे 123 के डिजिट्स का सम मालूम हो कि यार 123 के सारे डिजिट्स का क्या सम है, लेट्स से ये सम है कुछ वैल्यू x, है ना, कहीं से भी मुझे पता लग गया कि 123 के सारे डिजिट्स का सम क्या है, तो मैं उसमें बस 4 ऐड कर दूं, तो टेक्निकली इस x में मैं अगर 4 ऐड कर दूं तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1, 2, 3, 4, राइट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यार अगर आपके पास एक गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर डी डिजिट्स का है, ठीक है, कुछ डी डिजिट्स हैं उसमें, तो यार आप शुरू के डी माइनस 1 डिजिट्स का सम कहीं से ले आओ, आप शुरू के सारे डिजिट्स का सम कहीं से ले आओ, इस पूरे सम में मैं लास्ट डिजिट को ऐड कर दूंगा, है ना। अगर मुझे 123 का सम पता लग जाए, 123 का सम क्या है, 1 + 2 + 3, ये वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। यार मुझे पता है 123 का सम है 6, 1, 2, 3, 4 का सम क्या होगा, 123 का सम +4, दैट इज 10, राइट। सो मैं कहता हूं कि अगर आपको एक बड़ा नंबर गिवन है, इफ यू हैव बीन गिवन अ बिगर नंबर, ट्राई टू कैलकुलेट
रिकर्सिवली सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ स्मॉलर नंबर, कि भाई रिकर्सिवली आप स्मॉलर नंबर्स का सम किसी तरह ले आइए। अच्छा, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मेरे पास फंक्शन एफ में 1, 2, 3, 4 पास होता तो किसी भी तरह अगर मैं 123 का सम ले आऊं तो उसमें मैं 4 ऐड कर सकता हूं। कैन आई से दैट? तो देखो, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मुझे 1, 2, 3, 4 का सम चाहिए तो बस मैं कहीं से भी जाके 123 का सम ले आऊं, उसमें मैं 4 ऐड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 123 का सम भी तो मुझे नहीं पता, तो मैं जाके 12 का सम ले आऊं और उसमें बस 3 ऐड कर दूं तो मुझे 123 का आंसर पता लग जाएगा। बट मुझे 12 का आंसर भी नहीं पता, तो मैं जाके 1 का सम ले आऊं और उसमें 2 ऐड कर दूं तो मुझे 12 का सम मिल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेस केस। ये एक बेस केस हो गया क्योंकि यहां पे n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो f ऑफ 1 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी, वो नंबर इटसेल्फ। सो 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो 12 की f ऑफ 12 की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 123 की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन से इस छोटे नंबर का 123 का, या मैं कहूं अगर तुम्हारे पास डी डिजिट्स हैं, सो डी माइनस 1, शुरू के डी माइनस 1 डिजिट्स का सम मैं रिकर्सिवली कैलकुलेट कर लाऊंगा और अपने लास्ट डिजिट को ऐड कर दूंगा। सो लेट मी राइट अबाउट इट, रिकर्सिवली गो एंड कैलकुलेट सम ऑफ डी माइनस 1 डिजिट्स एंड एड द लास्ट डिजिट टू इट, और आखिर में लास्ट डिजिट को ऐड कर दो। अब 1234, अब देखो क्वेश्चन का लॉजिक हमने फिगर आउट कर लिया है। टेक्निकली अगर मैं रिकर्सिव लॉजिक की बात करूं तो मेरे पास बिगर प्रॉब्लम क्या है, बिगर प्रॉब्लम है ओरिजिनल नंबर n का सम निकालना। स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या है कि भाई n के लास्ट डिजिट को छोड़कर बचे हुए पूरे के पूरे नंबर के सारे डिजिट्स का सम ले आओ, जो भी ये सम वैल्यू x आएगी उसमें मैं लास्ट डिजिट ऐड कर दूंगा। अब सोचने की बात क्या है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट। दूसरी चीज क्या है, हाउ टू रिड्यूस इट टू 123, राइट। अब 1, 2, 3, 4 का सम हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 123 का सम लाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 से नंबर को 123 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और ये जो डिजिट 4 है इसको आउटसाइड कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, लास्ट डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो देखो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। अगर हमारे पास कोई नंबर n है एंड टू कैलकुलेट द लास्ट डिजिट, अगर आपको उसका लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है, सो कैन आई डू समथिंग लाइक n मॉड 10, n मॉड 10 कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1, 2, 3, 4 एंड इफ आई डू 1, 2, 3, 4 मॉड 10, तो 1, 2, 3, 4 का अगर 10 से डिविजन होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो और 4 क्या है, लास्ट डिजिट है। तो यार किसी भी नंबर का अगर आपको लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो आप वो n मॉड 10 से कर सकते हो। अब 1, 2, 3, 4 को 123 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू रिमूव, टेक्निकली हमें करना क्या है, 1, 2, 3, 4 में से लास्ट डिजिट अब रिमूव कर देना, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, 4 आ गया हमारे पास, अब इसको रिमूव हो जाए, किसी तरह रिमूव हो जाए। टू रिमूव द लास्ट डिजिट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट n बाय 10, राइट। n बाय 10 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1, 2, 3, 4 एज n एंड यू डिवाइडेड बाय 10, सो टेक्निकली अगर तुम प्रॉपर डिसिमल डिवीजन में जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3.4 समथिंग। बट सी प्लस प्लस में इसकी फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, 123.4 का फ्लोर वैल्यू क्या होता है, 123। तो देखो लास्ट डिजिट एलिमिनेट हो गया। अब 123 से अगर तुम्हें 12 पे जाना तो तुम दोबारा 123 को 10 से डिवाइड कर दोगे, 12 पहुंच जाएगा, लास्ट डिजिट एलिमिनेट हो गया। फिर 12 से 1 पे जाना है तो अगेन डिविजन बाय 10 दे दो तो 2 का एलिमिनेशन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो
टू एलिमिनेट द लास्ट डिजिट, डिवाइड द नंबर बाय 10. आप नंबर को 10 से डिवाइड करिए. सही लग रहा है? ओके. सो अब ओवरऑल मेरे पास पूरा लॉजिक आ गया. पूरा लॉजिक क्या कहता है कि यार अगर आपको इस बड़े नंबर का सम चाहिए तो आप एक काम करो, इस छोटे नंबर का सम ले और इसमें इस बड़े नंबर का लास्ट डिजिट ऐड कर दो. सो इफ आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एन, अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एन है जो नंबर एन के सारे डिजिट्स का सम कैलकुलेट करके लाता है. अब हमें तो नहीं पता कि एफ ऑफ एन कैसे चलेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यार किसी भी तरह अगर मुझे एफ ऑफ एन बाय 10 की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे पता लग जाए कि एफ ऑफ एन बाय 10 मतलब लास्ट डिजिट रिमूव्ड, इस वैल्यू का क्या आंसर होगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, लास्ट डिजिट का एडिशन दे सकता हूं. दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द लास्ट डिजिट एंड दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर रिमेनिंग आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ लास्ट डिजिट. देखो यार अगर मुझे n का सम लेकर आना है, n के सारे डिजिट्स का सम लेकर आना है, तो मैं n बाय 10 का सम ले आऊं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे f ऑफ 1, 2, 3, 4 कैलकुलेट करके लाना है तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ 1, 2, 3, 4 बाय 10 का सम ले आऊंगा. 1, 2, 3, 4 बाय 10 क्या होता है, f ऑफ 123, मतलब मैं f ऑफ 123 का सम ले आऊंगा और उसमें n बाय 10 n mod 10 ऐड कर दूंगा. वॉट इज 1, 2, 3, 4 मॉड 10? 1, 2, 3, 4 मॉड 10 इज वॉट, 4. तो देखो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 123 प्लस 4. फिर f ऑफ 123 किसके लिए कॉल होगा, हम 123 बाय 10 मतलब f ऑफ 12 के लिए कॉल करेंगे और 123 मॉड 10 मतलब 3 के लिए कॉल करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये रेकरेंस रिलेशन हमारी बन गई है. अगर ये रेकरेंस रिलेशन हमारी बन गई है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग अज्यूम कर लेंगे किसी भी तरह, जो कि मैंने कहा कि अगर मुझे 1, 2, 3, 4 का सम नहीं पता है तो मैं मान लूंगा कि भाई किसी भी तरह सही तरीके से 123 का सम मुझे मिल जाएगा. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे छोटे नंबर का सम मिल जाएगा. सो कैन आई से द स्टेप ऑफ अजम्पशन कैन बी, स्टेप ऑफ अजम्पशन कैन बी कि अज्यूम दैट फंक्शन एफ वर्क्स करेक्टली फॉर एन बाय 10. आप अज्यूम कर लोगे कि फंक्शन एफ एफ ऑफ एन बाय 10 के लिए सही चलेगा. सेल्फ वर्क क्या होगा, टू द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन बाय 10 एट द लास्ट डिजिट ऑफ एन, दैट इज एन मॉड 10, राइट. तो एन बाय 10 के डिजिट्स का आपके पास जो भी सम आया, एन बाय 10 के डिजिट्स का आपके पास जो भी सम आया, उसमें बस मैं लास्ट डिजिट ऐड कर दूंगा, दैट इज एन मॉड 10, और हमारा काम बन जाएगा. सो हम लोग अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम कि ये फंक्शन कॉल एब्सोल्युटली सही चलेगी. हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि यार नंबर एन के डिजिट्स का सम नहीं पता, बट अगर किसी भी तरह एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे एन बाय 10 के डिजिट्स का सम मिल जाता है तो मैं उसमें बस अपने एन का लास्ट डिजिट ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट. और एक बार हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन रेडी हो गई है तो अब हमें कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेस केस ऑलरेडी रेडी है कि अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो उसके लिए आंसर क्या होगा, एनी होगा. तो चलो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू कोड इट एंड देन लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. सो एक फाइल बनाते हैं, सम ऑफ डिजिट्स रिकर्सिव, ठीक है. बॉयलर प्लेट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ठीक है, रिटर्न 0. चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं इंट एफ जिसका एक पैरामीटर होगा इंट. अब तुम एफ की जगह एक अच्छा नाम दे सकते हो, राइट. मैं एफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो ये रेकरेंस रिलेशन हमने लिखी है हमारा कोड इससे एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल हो सके, ठीक है. तो सबसे पहले बेस केस, मैंने क्या बताया भाई, बेस केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेस केस क्या करेगा, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रिटर्न n कि भाई इस नंबर का, इस नंबर के डिजिट्स का सम तो ये नंबर खुद है,
अदरवाइज व्हाट यू कैन रिटर्न, एफ ऑफ एन बाय 10 प्लस एन मॉड 10, दैट्स इट। इसको पैरेंथेसिस में बाइंड कर लेता है। तो अगर तुम टेक्निकली देखो तो यहां पे मैंने एज इट इज ये रेकरेंस रिलेशन लिख दिया, एफ ऑफ एन बाय 10 प्लस एन मॉड 10, कॉल करें इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 2 3 4, सी आउट रिजल्ट। ठीक है, देखो 10 आ रहा है आउटपुट। दूसरा नंबर लेते हैं 653 ले लेते हैं, 14 आ रहा है आउटपुट, सही लग रहा है, राइट। एक काम करते हैं, इसको फटाफट से ड्राई रन करके देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली इंटरनली इसमें क्या हो रहा होगा। सो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो कितना छोटा कोड बना है, लिटरली दो लाइन में हमने इसको कोड कर लिया है, और इससे ज्यादा अचीवमेंट तो मतलब क्या ही होगी। तो रिकर्सिव कोड का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन रहता है कि यार कोडिंग इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ही केक वॉक हो जाती है। अगर तुमने रेकरेंस फिगर आउट कर लिया, अगर तुमने लॉजिक फिगर आउट कर लिया, तो ये चीज करना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं बचता है। ठीक है, चलो सो एक काम करते हैं, ये रहा हमारा कोड। ठीक है, 653 के लिए ट्राई करते हैं। यहां पर अपनी कॉल स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉल स्टैक में सबसे पहला फंक्शन तो क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के लाइन नंबर 11 पे एक रिजल्ट वेरिएबल बनेगा। अब रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट। अब फंक्शन कॉल हमें करना है, फंक्शन कॉल का मतलब स्टैक फ्रेम में हम लोग एक कॉल स्टैक में हम लोग एक नया स्टैक फ्रेम या एक एंट्री एड करेंगे। सो एफ कॉल कर लेते हैं, एफ ऑफ 653, राइट। तो अगर मैंने 653 पास किया है तो एक लोकल वेरिएबल n बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है, 653। ठीक है, अच्छा, लाइन नंबर 6 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फंक्शन में। लाइन नंबर 6 क्या कहता है, क्या आपकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, जी नहीं, तो ये इफ का चेक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लाइन नंबर 7 पे आएंगे। लाइन नंबर 7 क्या कहता है, इस वैल्यू को आप रिटर्न कर दो। किस वैल्यू को रिटर्न कर दो, एफ ऑफ एन बाय 10। अब पहले एक फंक्शन कॉल हो गया, तो हमें कुछ रिटर्न करना था, वी वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न समथिंग, बट पहली वैल्यू के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल कर दिया है एफ ऑफ एन बाय 10 के लिए। एन की वैल्यू क्या है, 653। 650 बाय 3 बाय 10 इज व्हाट, 65, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमारे पास फ्लोर वैल्यू रहती है। तो एफ ऑफ 65 के लिए कॉल कर दिया है, और इस फंक्शन को हम लोग लाइन नंबर 7 पे छोड़ के जा रहे हैं। देखो लाइन नंबर 7 पे पहले एफ ऑफ एन बाय 10 कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं, जब ये कंप्यूट होकर आ जाएगा तो उसमें n mod 10 ऐड करेंगे। सो लाइन नंबर 7 पे इसको हम लोग यहां पे रोक के जा रहे हैं, जब तक ऊपर के सारे स्टैक फ्रेम एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, ये नीचे वाले स्टैक फ्रेम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। f of 65, तो यहां पे n की वैल्यू 65 हो गई है। क्या 65 0 से 9 के बीच में लाया करता है, जी नहीं, तो हम लोग 6th लाइन से लाइन नंबर 7 पे आएंगे। लाइन नंबर 7 पे दोबारा आपके पास क्या है, एक फंक्शन कॉल है, और उस फंक्शन कॉल के रिजल्ट में आपको n mod 10 ऐड करना है। पहले फंक्शन कॉल का रिजल्ट लेकर आते हैं, तो इसको भी आप लाइन नंबर 7 पे छोड़ के जाओगे। देखो लाइन नंबर 7 पे छोड़ के जा रहे हैं, और f ऑफ n बाय 10, n की वैल्यू है 65, 65 बाय 10 इज 6, राइट। तो आप f ऑफ 6 के लिए कॉल कर देंगे, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। चलो दोबारा फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। अब n की वैल्यू 6 के लिए, क्या n 0 से 9 के बीच में लाया करता है, जी हाँ, ये 6 0 से 9 के बीच में लाया करता है। सो यू आर गोइंग टू हिट द बेस केस, बेस केस हिट हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, रिटर्न n, तो आप क्या कहोगे, यहां से रिटर्न 6, और ये फंक्शन कॉल हट जाएगा, तो आपने 6 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब कॉलिंग साइट क्या थी, लाइन नंबर 7 का ये फंक्शन कॉल हमारा कॉलिंग साइट था, तो हमें आउटपुट आ गया 6 प्लस n mod 10, n की वैल्यू 6 थी, सॉरी 65 थी, 65 mod 10 इज व्हाट, 5। So what is the value of 6 plus 5? 6 plus 5 is 11. So from here you are going to return 11 and this stack frame is also done. ठीक लग रहा है? अब आप f of 653 में वापस आए हो, आपने इसको लाइन नंबर 7 पे छोड़ा था। लाइन नंबर 7 पे एक्सप्रेशन क्या थी, एक फंक्शन कॉल प्लस लास्ट डिजिट, तो फंक्शन कॉल का रिजल्ट आपको ऊपर से आ गया 11 प्लस n mod 10, 653 mod 10,
लास्ट डिजिट क्या है, 3 आ जाएगा, 3 एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। सो 11 प्लस 3, व्हाट इज 11 प्लस 3, 14। सो यहां से हम लोग 14 रिटर्न कर देंगे और ये स्टैक फ्रेम खत्म हो गया, राइट। सो जब हम लोग रिजल्ट में वापस आएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 14 होगा। एंड कैन आई से 6 प्लस 5 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 14। सो सही चल रहा है हमारा कोड, राइट, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन सही लग रही है। और अगर आप यहां पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एफ ऑफ 1, 2, 3, 4 के लिए आप एफ ऑफ 123 कॉल करते हैं, फिर एफ ऑफ 12 कॉल करते हैं, फिर एफ ऑफ 1 कॉल करते हैं। तो टेक्निकली आपने नंबर ऑफ कॉल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉल्स होंगे इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। हर डिजिट के को एक बार एलिमिनेट करने के बाद कॉल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो कॉल हो गए। अब एक फंक्शन कॉल में काम कितना होता है, यहां पे एक इफ का चेक है तो एक कांस्टेंट है, यहां पे एक एडिशन हो रहा है दो नंबर्स का कांस्टेंट है। इन दो नंबर्स को फेच करने के लिए एक में फंक्शन कॉल किया गया, एक में कंप्यूटेशन की गई है। फंक्शन कॉल के इंटरनल का जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है क्योंकि वो आराम से आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ कॉल्स इंटू नंबर ऑफ कॉल्स डी इंटू दिस वैल्यू, राइट। दैट इज इन वन फंक्शन कॉल हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक। सो इन वन फंक्शन कॉल दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, सो ओवरऑल कॉन्स्टेंट। सो वट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेयर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डी इंटू सी विच इज ऑर्डर ऑफ डी। दैट इज कि कितने डिजिट्स है फंक्शन में उतना ही होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेम थिंग फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर तुम देखो देखो और कोई डेटा स्ट्रक्चर तो यूज कर नहीं रहे, और 653 से 65 से 6, राइट, इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे थे। तो कॉल स्टैक में मैक्सिमम हमने कितना ग्रो किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स इतना, क्योंकि एक डिजिट को एलिमिनेट करने के बाद बचे हुए नंबर को कॉल स्टैक में कॉल करते रहते, रिकर्सिवली कॉल करते रहते, और ये रुकता कब था, सिंगल डिजिट पे पहुंचने के बाद। सो टेक्निकली स्पीकिंग हमने ऑर्डर ऑफ डी स्पेस भी यूज कर लिया, राइट। सो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी। और इस तरीके से आप सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे भी स्ट्रैटेजी हमने सेम लगाई है कि यार कुछ भी हो जाए हम लोग एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अज्यूम करके लाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। बेस्ड ऑन दैट जो भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको उस छोटी प्रॉब्लम की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर छोटी प्रॉब्लम क्या थी, एन बाय टेन का सम निकालना, तो हमने एन के सम निकालने वाली चीज को। सो आई होप द ओवरऑल लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब फटाफट से अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं और थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं फॉर रिकर्जन। इस वाली प्रॉब्लम को हम लोग और इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। रिकर्जन से ही सॉल्व करेंगे बट रिकर्जन से भी सॉल्व करने के हम दो डिफरेंट तरीके देखने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज इज दैट गिवन टू नंबर्स पी एंड क्यू, आपके पास दो नंबर्स हैं पी और क्यू, राइट, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी रेज टू द पावर क्यू की। सो लेट से कि अगर आपके पास पी की वैल्यू है 2 और क्यू की वैल्यू है 3, सो आपको वैल्यू फिगर आउट करनी है 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8, राइट। सो इस पी और क्यू के लिए आंसर होगा 8। लेट से अगर आपके पास पी की वैल्यू गिवन है 3, क्यू की वैल्यू गिवन है 0, सो इस पी और क्यू के लिए आंसर क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, राइट। सो आपको दो नंबर्स गिवन होंगे पी एंड क्यू, आपको पी रेज टू द पावर क्यू फिगर आउट करना है। पी तुम्हारा बेस होगा, क्यू तुम्हारा एक्सपोनेंट रहेगा। द कैच इज यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन, आपको रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना है ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि यहां पे वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि अब आप रिकर्जन के बारे में काफी चीजें जानते हो। सो एक अटेम्प्ट देने का कोशिश करो, कोई बात नहीं, अगर अटेम्प्ट के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं फिगर आउट हो रहा है तो ट्रस्ट मी अभी तुमने 3 से 4 प्रॉब्लम्स ही देखी हैं, अभी हम लोग आगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सो और ज्यादा फाउंडेशन कंक्रीट हो जाएगा। सो आई होप कि सब लोगों ने एक फेयर थॉट दिया होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो यार, अगर इस प्रॉब्लम को रिकर्जन की जगह आइट्रेशन से सॉल्व करना होता तो क्या ये बहुत आसान नहीं होता? अगर मुझे आइट्रेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, अगर मुझे आइट्रेशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो कैसे कर सकते हैं? मैं
पी को पी के ही साथ क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं आइटरेटिव लूप लिखूं, लेट से आंसर इज इक्वल्स टू वन, फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल टू क्यू, आई प्लस प्लस, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इन टू पी, रिटर्न आंसर। ये एक सिंपल कोड बन सकता है, राइट? यार आप पी रेस टू द पार क्यू का मतलब क्या होता है? पी रेस टू द पार क्यू का मतलब है, पी रेस टू द पार क्यू का मतलब है पी इंटू पी इंटू पी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दिस इज डन क्यू टाइम्स। आपने ये चीज क्यू टाइम्स करी है, यही है पी रेस टू द पार क्यू का मतलब। अब अगर ये बात है तो आइटरेटिव सॉल्यूशन तो करना आसान है, लेकिन रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो देखते हैं यार, अगेन रिकर्सिव सॉल्यूशन बिल्डअप करना है, हमें तो पता नहीं है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन एक्चुअली डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है। हम इतना जानते हैं कि हमारे पास एक बिगर प्रॉब्लम है, बिगर प्रॉब्लम है पी रेस टू द पावर क्यू को कैलकुलेट करना। तो हम किसी तरह इस बिगर प्रॉब्लम को इसकी स्मॉलर सब प्रॉब्लम की टर्म्स में आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन लिखेंगे, लेट से फंक्शन एफ। अगेन मैं बार बार फंक्शन का नाम एफ या बहुत ही सिंपल रख रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तुम इस फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हो ऑफ कोर्स। लेट से दिस फंक्शन एफ, दिस फंक्शन एफ कैलकुलेट्स पी रेज टू द पावर क्यू, राइट? ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है पी, एक पैरामीटर लेता है क्यू, और ये क्या रिटर्न कर देगा? पी रेस टू द पावर क्यू। अब देखो दो ही पैरामीटर की जरूरत भी लग रही है, पी चाहिए क्यू चाहिए, एंड दैट्स इट, ठीक है? अब ये फंक्शन मुझे रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना है, कैसे कर सकते हैं? रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करने के लिए आप सबको मैंने ऑलरेडी एक बेसिक चीज बताई है कि तीन चीजें फिगर आउट करो, बेस केस, अजम्पशन, सेल्फ वर्क। बेस केस मतलब ऐसी कौन सी सबसे छोटी सब प्रॉब्लम है जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। अजम्पशन मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जिसका आंसर अगर मैं आपको दे दूं या आप अज्यूम कर लो कि उसका आंसर सही से आ जाएगा, तो सेल्फ वर्क में आप कुछ और कॉम्पिटिशन करके ओवरऑल बिगर प्रॉब्लम का आंसर निकाल पाओ। तो सबसे पहले बेस केस देखते हैं। यार आप लोग मुझे बताओ ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसके लिए कॉम्पिटिशन करने की तो शायद जरूरत भी ना पड़े। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि P और Q दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, राइट? सो क्या मैं ये कह सकता हूं फॉर Q इज इक्वल्स टू जीरो? अगर Q की वैल्यू जीरो है, मतलब एक्सपोनेंट अगर आपका जीरो है, आंसर विल बी ऑलवेज वन। 10 रेस टू द पावर जीरो, 7 रेस टू द पावर जीरो, 6 रेस टू द पावर जीरो, कभी भी आपके पास अगर रेस टू द पावर जीरो है, एक्सपोनेंट आपका जीरो है, तो बेस में कुछ भी हो, पावर तो जीरो है, इसका मतलब आंसर होगा वन। तो Q इज इक्वल्स टू जीरो मतलब एफ ऑफ पी कॉमा जीरो विल रिटर्न वन। दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस केस, है ना? पी कुछ भी हो सकता है, बट अगर क्यू जीरो है तो आंसर हमें पता, वेल इनफ, ओके। अब बेस केस तो फिगर आउट हो गया, अब चलो कुछ लॉजिक सोचते हैं जिस लॉजिक में हम कुछ पार्ट अजम्पशन और कुछ पार्ट सेल्फ वर्क का रख सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, कैलकुलेट क्या करना है? पी रेस टू द पावर क्यू कैलकुलेट करना है। पी रेस टू द पावर क्यू का मतलब क्या होता है? पी इंटू पी इंटू पी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्यू टाइम्स। आपने क्यू टाइम्स पी को मल्टीप्लाई किया है, राइट? ओके। अब अगर एक चीज हम लोग ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन क्यू टाइम्स हो रहा है, तो ये पी रेस टू द पावर क्यू बन रहा है। और कुछ कुछ थोड़ा फैक्टोरियल के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। फैक्टोरियल में क्या होता था? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 को छोड़ के बचा हुआ पार्ट 4 फैक्टोरियल होता था। अब मैं अगर यहां पे पहले टर्म को आइसोलेटेड छोड़ दूं और बची हुई टर्म्स को देखूं, तो अगर पहली टर्म्स को मैंने पहली वाली टर्म को मैंने अलग कर दिया है, तो यहां पे मेरे पास
क्यू माइनस वन टर्म्स है और मैं पी रेस टू द पावर क्यू, जो कि हमारी बिगर प्रॉब्लम भी है, ये हमारी बिगर प्रॉब्लम भी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी रेस टू द पावर क्यू इज गोइंग टू बी पी इंटू पी रेस टू द पावर क्यू माइनस वन. कैन आई से दैट कि यार अगर आपको पी रेस टू द पावर क्यू चाहिए तो आप किसी भी तरह पी रेस टू द पावर क्यू माइनस वन ले आओ. अगर इस वैल्यू की वैल्यू है x, तो मैं इसमें p का मल्टीप्लायर दे दूंगा और ये p रेस टू द पावर q बन जाएगा, क्योंकि इसमें कितना कम है, एक पावर p की कम है, तो मैं p को मल्टीप्लाई कर दूंगा. बट ये हमारी बिगर प्रॉब्लम थी, तो कहने से ये हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम है. और अगर आपको इस स्मॉलर सब प्रॉब्लम का आंसर पता लग जाए कि यार p रेस टू द पावर q माइनस वन कैसे कैलकुलेट होगा, ये कोई भी किसी भी तरीके से आपको सही सही जवाब अगर दे दे, आप इस वैल्यू में पी का एक और मल्टीप्लिकेशन देंगे और आपका काम बन जाएगा. दैट बीइंग सेड, तो यहां पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं. लेट्स अज्यूम फंक्शन एफ works correctly for q minus 1, right? Here function f q minus 1 के लिए absolutely सही तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. या मैं कहूं p की वैल्यू सेम ही रख रहे हैं, works, so we can say that function works correctly for p comma q minus 1. p सेम ही रहने वाला है हमेशा, तो function f सही सही चलेगा f ऑफ p कॉमा q माइनस वन के लिए. दैट इज f ऑफ p कॉमा q माइनस वन इज करेक्टली कॉम्प्यूटेड. आपको इसका आंसर पता है कि यार ये फंक्शन इस वैल्यू के लिए सही चलेगा. तो अगर q माइनस वन एक टर्म के लिए सही चल रहा है, इसका मतलब आपको p रेस टू द पावर q माइनस वन तो पता लग ही गया है. अगर आपको p रेस टू द पावर q माइनस वन पता लग गया है, तो आपका सेल्फ वर्क क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई पी विद एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन. यार इसका जो भी रिजल्ट है उसके रिजल्ट में आप पी का मल्टीप्लायर दे दो. तो अगर मैं यहां रेकरेंस रिलेशन लिखना चाहता हूं, सो कैन आई राइट समथिंग लाइक एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन, राइट? ये फंक्शन p रेस टू द पावर q कैलकुलेट करके लाने वाला था, हमें इसी को इंप्लीमेंट करना है. तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट फंक्शन f करेक्टली कैलकुलेट्स p रेस टू द पावर q माइनस वन. क्या फंक्शन f p रेस टू द पावर q माइनस वन तो सही से कैलकुलेट करके लाएगा, एंड विद द रिजल्ट ऑफ p रेस टू द पावर q माइनस वन वी विल मल्टीप्लाई p. कि यार जो भी p रेस टू द पावर q माइनस वन का रिजल्ट है, अगर वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है, तो आप उसमें p का मल्टीप्लायर दे दीजिए. एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. देखो मान लो मुझे f ऑफ 2 कॉमा 3 कैलकुलेट करना था, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 2 रेस टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है. मुझे तो नहीं पता कि 2 रेस टू द पावर 3 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं ये कह सकता हूं 2 रेस टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 इज 2. कि यार अगर आपको कहीं से भी 2 रेस टू द पावर 2 पता लग जाए, उसमें मैं 2 का मल्टीप्लायर दे दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 3. अब 2 रेस टू द पावर 2 भी तो हमें नहीं पता, तो अगर 2 रेस टू द पावर 2 नहीं पता, सो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ 2 इंटू 2 कॉमा 1. कि यार f ऑफ 2 रेस टू द पावर 2 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप जाके किसी भी तरह 2 रेस टू द पावर 1 के वैल्यू ले आओ, उसमें मैं 2 का मल्टीप्लायर दे दूंगा. अब 2 रेस टू द पावर 1 की वैल्यू भी नहीं पता हमें तो, राइट? सो हम क्या करेंगे, 2 इंटू f ऑफ 2 रेस टू द पावर 0. कि यार 2 रेस टू द पावर 1 की वैल्यू तो नहीं पता, बट अगर मैं कहीं से भी 2 रेस टू द पावर 0 की वैल्यू ले आऊं,
तो उसमें मैं 2 का मल्टीप्लायर दूंगा और 2 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा। एंड एंड दिस इज अ बेस केस, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि यार पी कुछ भी हो, अगर क्यू की पावर, मतलब जो पावर लगाई गई है वो 0 है, पी रेज टू द पावर 0 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा 1 होगा। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1। सो 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा 2 इंटू 1, दैट इज 2 रिटर्न हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 2, सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। सो 2 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू हो गई है 4, मैं यहां से 4 रिटर्न कर दूंगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और कैन आई से 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, सो 4 इंटू 2 8, यहां से आप 8 रिटर्न कर दोगे और वो आपका फाइनल आंसर होगा, कैन आई से दैट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेकरेंस सेंस बना रही है सब लोगों को, राइट? और आसान भी था रेकरेंस को लिखना, हमने बची हुई टर्म्स में से पी रेज टू द पावर क्यू माइनस वन ऑब्जर्व कर लिया, बेस केस सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हारे सामने दोबारा ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने वाला हूँ और तुम देखोगे कि क्योंकि हमने फंक्शन की रेकरेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी है, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ऐसे केक वॉक होने वाली है। सो लेट्स सी, पावर रिकर्सिव डॉट सीपीपी टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेते हैं। मेन इस सब की भी जरूरत नहीं है, चलो तो एक काम करते हैं, एक रिजल्ट बनाते हैं कि यार मुझे एफ ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करना है। अब फंक्शन एफ इंप्लीमेंटेड तो है नहीं, तो मैं एक फंक्शन एफ लिखूंगा जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, क्योंकि कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इनपुट में क्या है, इंट पी इंट क्यू, पी और क्यू इनपुट में, देखो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इनपुट में। सबसे पहले बेस केस, यार अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई, क्यू की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 0 हो गई, तो आप 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, पी इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस 1, कि यार आप जाओ पी रेस टू द पावर क्यू माइनस 1 कैलकुलेट कर लो, मैं उसमें पी का मल्टीप्लायर दे दूंगा, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। तो यहां पे एक काम करते हैं, रिजल्ट को सी आउट कर लेते हैं, देख लो 3 रेस पावर 4 81 आ रहा है, यहीं पे अगर मैं 17 रेस टू द पावर 0 कर दूं तो वैल्यू 1 आ रही है, 17 रेस टू द पावर 2 कर दूं तो वैल्यू 289 आ रही है, सही लग रहा है, राइट? बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। एक बारी फटाफट से इसका ड्राई रन करते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करेंगे। तो कट कर लेते हैं, देखो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं रिकर्जन के सवाल जब भी आप ऐसे ड्राई रन करके अच्छे से इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि जब हार्डर सवाल आएंगे आपके पास तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को तभी यूज कर पाओगे जब आपको रिकर्जन पे फुल ट्रस्ट होगा, राइट? तो चलो देखते हैं, ये ले आए हम लोग फंक्शन, यहां पे सेट कर लेते हैं फंक्शन को, एक कॉल स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। 17 रेज टू द पावर 2 की जगह मैं यहां पे 2 रेज टू द पावर 3 कर रहा हूं, ठीक है, 2 रेज पावर 3 कैलकुलेट करके लाएंगे। सो सबसे पहली फंक्शन कॉल कौन सी होती है, मेन की फंक्शन कॉल होती है। मेन में लाइन नंबर 12 पे आपने कहा कि आप एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2,3 का रिजल्ट होगी। अब एफ ऑफ 2,3 का रिजल्ट होगी, इसका मतलब आपको एफ ऑफ 2,3 कॉल करना होगा, तो आप इस वाले फंक्शन को लाइन नंबर 12 पे वेट करा के जाओगे और एफ ऑफ 2,3 कैलकुलेट करके लाओगे। जब तक ऊपर के सारे स्टैक फ्रेम एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, ये मेन फंक्शन में एग्जीक्यूशन रिज्यूम नहीं होगा, ओके? एफ ऑफ 2,3, तो यहां पे p इज इक्वल्स टू 2, q इज इक्वल्स टू 3। चलो देखते हैं, क्या q की वैल्यू 0 है, क्या 3 इक्विवेलेंट टू 0 है, नहीं, तो आप क्या रिटर्न कर दो, प्रोडक्ट ऑफ p इंटू, सो 2 इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस 1। अब यहां पे इसकी वैल्यू तो प्रेजेंट नहीं है, इसकी वैल्यू फंक्शन के कॉल से कंप्यूट होकर आएगी,
तो पहले कंप्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। सो आप क्या करो, एफ ऑफ पी तो एज इट इज है, क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू माइनस वन, थ्री माइनस वन इज टू, राइट। ओके, अब एफ ऑफ टू कॉमा टू जब आपने कॉल करा यहां से, तो आपने टेक्निकली अपने ऊपर एक और स्टैक फ्रेम ऐड कर लिया। अब ये वाली कॉल स्टैक का स्टैक फ्रेम पेंडिंग स्टेट, मतलब अभी पेंडिंग है, अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हमने इसको लाइन नंबर सेवन पे छोड़ा है। ये लाइन नंबर सेवन पे अपने प्रोग्राम के रिज्यूम होने का वेट करेगा। हम ऊपर वाली स्टैक फ्रेम में आ गए, एफ ऑफ टू कॉमा टू, यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू टू, क्यू इज इक्वल्स टू टू। सो क्या क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर है, क्या टू जीरो के बराबर है? नहीं। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न, वी आर गोइंग टू रिटर्न पी, पी इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन। तो एक और फंक्शन कॉल एफ ऑफ टू कॉमा वन, इसको भी हम लोग लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेल्फ वर्क था, इस प्रोडक्ट में एक फंक्शन कॉल इन्वॉल्व है, और वो फंक्शन कॉल पहले कंप्यूट होकर आना जरूरी है, राइट। नाउ एक और फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ टू कॉमा वन पे आ गए, यहां पे p की वैल्यू टू, q की वैल्यू वन, क्या q की वैल्यू जीरो के बराबर है, क्या वन जीरो के बराबर है? जी नहीं। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, p इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन। सो टू इंटू, यहां पे हर जगह एक फंक्शन कॉल का वेट है, तो यहां पे भी एक फंक्शन कॉल का वेट है, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन। फंक्शन कॉल है तो इसे वेट करना होगा, तो एफ ऑफ टू कॉमा जीरो के लिए आपने कॉल कर दिया है, और यहां पे भी आप लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एफ ऑफ टू कॉमा जीरो में क्यू की वैल्यू है जीरो, ये हो गया आपका बेस केस। तो आपने रिटर्न कर दिया इमीजिएटली वन, तो ऊपर वाली कॉल स्टैक तो हट गई, और यहां पे आपको वैल्यू मिल गई वन। तो इस फंक्शन कॉल को आपको वैल्यू मिली वन, टू इंटू वन क्या हो गया टू, इस वाले स्टैक फ्रेम को लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के गए थे, तो लाइन नंबर सेवन पे पी की वैल्यू टू थी, इसकी वैल्यू आ गई वन, टू इंटू वन, तो रिटर्न करना है टू इंटू वन, दैट इज टू, तो टू रिटर्न हो गया यहां पे, तो टू आ गया यहां पे, और ऊपर वाला कॉल स्टैक हट जाएगा क्योंकि अब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब होता है, जब आप या तो रिटर्न स्टेटमेंट हिट कर देंगे, या फंक्शन पूरा खत्म हो गया, कोई भी लाइन एग्जीक्यूशन के लिए बची नहीं है। अब चलो लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर सेवन पे पी टू था, और ऊपर वाली फंक्शन कॉल से टू रिटर्न हुआ है, टू इंटू टू हो गया फोर, तो आपको रिटर्न करना है फोर, यहां से आपने फोर रिटर्न कर दिया और आपका काम बन गया। फाइनली आपको यहां पे फोर रिसीव हुआ है, सो टू इंटू फोर इज वॉट एट, आप यहां से एट रिटर्न कर देंगे लाइन नंबर सेवन से, एंड दैट्स इट। फाइनली आपको रिजल्ट में वैल्यू एट मिल जाएगी, एंड कैन आई से टू रेस्ट टू द पावर थ्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू एट, तो सही चल रहा है ये, राइट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यार आपने एफ ऑफ मान लो टू कॉमा फाइव कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ टू कॉमा फाइव के लिए आपने कॉल करी एफ ऑफ टू कॉमा फोर पे, एफ ऑफ टू कॉमा फोर के लिए आपने कॉल करी एफ ऑफ टू कॉमा थ्री पे, टू कॉमा थ्री के लिए आपने कॉल करी टू कॉमा टू पे, टू कॉमा टू से आपने कॉल करी टू कॉमा वन पे, और टू कॉमा वन से आपने कॉल करी टू कॉमा जीरो पे। तो यहाँ पे टेक्निकली आपने कितनी कॉल्स करी, एक दो तीन चार पांच, आपने नंबर ऑफ कॉल्स करी हैं, नंबर ऑफ कॉल्स इज इक्वल्स टू क्यू, कैन आई से दैट, देखो यहाँ पे पी की वैल्यू टू है, क्यू की वैल्यू फाइव है, तो नंबर ऑफ कॉल्स क्यू के बराबर है, और अगर आप जेंडर की इक्वेशन देखो तो पी कॉमा क्यू के लिए आप पी कॉमा क्यू माइनस वन कैलकुलेट करते हो, पी कॉमा क्यू माइनस टू कैलकुलेट करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली आप जाके रुकते कहो पी कॉमा जीरो पे, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, क्यू टर्म्स हो गई है, सो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स तो क्यू हो गया है, और एक फंक्शन कॉल में यहां पे आपके पास एक इफ का चेक है, एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक फंक्शन की कॉल है, फंक्शन की कॉल करना कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट निकालना कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्यू इंटू सी, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एग्जीक्यूट करें अप्रोक्सीमेटली क्यू इंटू सी हो गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ क्यू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ क्यू हो जाएगी। क्यों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ क्यू हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉल स्टैक मैक्सिमम कितना जा रहा है, क्यू स्टैक फ्रेम्स मैक्सिमम ऐड होते हैं, तो वही सबसे बड़ी स्पेस है जो आपने पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में यूज करी है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ क्यू हो गया।
सो अच्छा सोल्यूशन लग रहा है और टेक्निकली हमारे आइटरेटिव सोल्यूशन के टाइम के बराबर ही सोल्यूशन है, बट इस प्रॉब्लम में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ है। इस प्रॉब्लम को हम लोग शायद थोड़ा और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पे वीडियो को पॉज कर ले और सोचे कि क्या कुछ और रिकर्सिव लॉजिक मैं बना सकता हूं जिससे ये प्रॉब्लम और एफिशिएंटली सॉल्व हो जाए। मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। तो चलो यार देखते हैं कि इस पी रेज टू द पावर क्यू की प्रॉब्लम को हमने अभी ऑर्डर ऑफ क्यू में सॉल्व किया, क्या हम इसे थोड़ा और एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी। सो हमने रेकरेंस लिखा था एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन, और ये रेकरेंस हमने क्यू लिखा था क्योंकि हमें पता है अगर पी रेस टू द पार क्यू कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पी इंटू पी रेस टू द पार क्यू माइनस वन। इसके बेसिस पे हमने ये रेकरेंस लिख लिया था। अब यहां पे क्या हम कुछ और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, चलो देखते हैं। मान लो आपको 2 रेस टू द पावर 6 कैलकुलेट करना है ना, 2 रेस टू द पावर 6 कैलकुलेट करना है। हमें एक्सपोनेंट्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि यार अगर आपके पास a रेस टू द पावर b है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो a रेस टू द पावर c के साथ, इसकी वैल्यू क्या बनती है, a रेस टू द पावर b प्लस c बनती है। ये एक बेसिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। तो अगर इस बेसिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को मैं लगाऊं तो 2 रेस टू द पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 5, बट वो तो टेक्निकल सॉरी 2 रेस पावर 1 इनटू 2 रेस टू द पावर 5, बट वो तो टेक्निकली पिछली वाली प्रॉब्लम जैसा ही हो जाएगा। रादर देन हाउ अबाउट मैं कुछ ऐसा लिखूं, 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं? अब तो मिलेगा, अच्छा ठीक है सर, 2 रेस टू द पावर 6 में 6 तो इवन नंबर था तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ऑड होता तो जैसे 3 है ऑड होता तो मैं कहता कि यार मान लो 2 रेस टू द पावर 7 है तो 2 रेस टू द पावर 7 को पता है मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3। अब सोचने की बात है क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है या फिर हम लोग बस ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, तो लेट्स सी। सो चलो देखते हैं यार, अगर मुझे 2 रेस टू द पावर 16 कैलकुलेट करना है और मैं अपने इस रेकरेंस से जाऊं एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन, अगर मैं इस रेकरेंस के थ्रू जाऊं सो मैं 2 रेस टू द पावर 16 के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 15 that will be 2 into 2 raised to the power 14, that will be 2 into 2 raised to the power 13, so on and so forth, 2 into 2 raised to the power 1, 2 into 2 raised to the power 0. So, यहाँ पे technically मुझे 16 recursive calls लगेंगी, यहाँ पे मुझे 16 recursive calls लग रही हैं, अच्छा, वहीं पे, अगर मैं 2 raised to the power 16 को ऐसे लिखता, 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 8, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 raised to the power 8 का स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकता हूं। फिर मैं कहीं से 2 raised to the power 8 कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब देखो मेरे कहने का ही मतलब है कि इसको भी दो तरीके से करा जा सकता है, पहले सिंपल तरीका देखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिक एक तरीके से हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो देखो एक और तरीके से आप पावर फंक्शन को लिख सकते हो, राइट। एक और तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 2 रेस टू द पावर 16 इवेल्युएट करके लाना है तो क्या मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि यार आप कहीं से भी जाके 2 रेस टू द पावर 8 कैलकुलेट करके ले आओ, फिर दोबारा 2 रेस टू द पावर 8 कैलकुलेट करके ले आओ, मैं एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे ही होता है, राइट। मान लो आपके पास 2 रेस टू द पावर 4 है, 2 रेस पर 4 क्या है 16, अब 2 रेस पर 4 को आप लिख सकते हो 2 रेस टू द पावर 2 इनटू 2 रेस टू द पावर 2, मतलब 4 इनटू 4 16, राइट। तो ऐसे ही मैं यहां पे करूंगा कि आपके पास 2 रेस टू द पावर 16 है तो आप एक बार ही जाके 2 रेस टू द पावर 8 पूरा कैलकुलेट करके ले आओ, एक बार ही जाके पूरा 2 रेस पर 8 कैलकुलेट करके ले आओ और अपना आंसर बना लो, फेयर इनफ। अब यही सेम चीज हम 2 रेस टू द पावर 8 के लिए करेंगे, अब 2 रेस टू द पावर 8 कैलकुलेट करना तो नहीं आता है,
तो हम लोग दोबारा इसको रिकर्सिवली तोड़ेंगे एंड देन वी विल से कि आप 2^4 कैलकुलेट करके ले आओ एक बारी, फिर दोबारा 2^4 कैलकुलेट करके ले आओ और उससे आप ये लेफ्ट साइड वाला 2^8 बना पाओगे। सेम चीज यहां, दो बार आप 2^4 ले आओ और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। मतलब ये 2^8 बनाने के लिए आप 2^4 एक बारी कैलकुलेट करके लाए, फिर दोबारा 2^4 कैलकुलेट करके लाए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर राइट साइड वाला 2^8 कैलकुलेट करने के लिए आप 2^4 एक बारी कैलकुलेट करके लाए, 2^4 एक बारी कैलकुलेट करके लाए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि आप अपनी q को दो बारी q/2 और q/2, मतलब आपको p^q कैलकुलेट करना था, तो आप एक बारी p^q/2 कैलकुलेट करके ले आए, यहां पे देखो p^2^8 कैलकुलेट करके ले आए और फिर दोबारा जाके मैनुअली पूरा 2^8 कैलकुलेट करा, मैनुअली पूरा 2^8 कैलकुलेट करा, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी रह सकती है? देखो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो आप p^q पे थे, वहां से आप p^q/2 पे आए, फिर p^q/2। ये ध्यान देने की बात है कि आपने ऑलरेडी इस लेफ्ट साइड वाली कॉल से p^q/2 कैलकुलेट कर लिया था, आप दोबारा जा रहे हो p^q/2 को कैलकुलेट करने, ये ध्यान देने की बात है। उसके बाद p^q/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा, राइट? आप फाइनली इसको कहां पे ब्रेक करोगे? p^1 की साइकिल्स में ब्रेक कर रहे होगे, p^1 ऐसे, राइट? ओके, या p^0, मतलब एक जनरल फॉर्म हम लोग लेके चल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको p^q कैलकुलेट करना था, तो आपने एक फंक्शन कॉल करिए p^q के लिए, फिर इंटरनली कुछ और फंक्शन कॉल है, बट एक टोटल फंक्शन कॉल है इस पर्टिकुलर लेवल पे। सो आई कैन से 2^0 दैट इज 1। यहां पे टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी है? एक बारी आप p^q/2 कैलकुलेट करके ला रहे हो, फिर एक बारी p^q/2 कैलकुलेट करके ला रहे हो, तो दो फंक्शन कॉल्स हैं 2^1 दैट इज 2। यहां पे चार फंक्शन कॉल्स हैं 2^2 दैट इज 4। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल पे 2^3 दैट इज 8। ऐसे स्पेसिफिक करके फंक्शन कॉल्स होती रहेंगी, ये हर लेवल पे इतनी फंक्शन कॉल्स हैं, कैन आई से दैट? अब सोचने की बात है कि इस लेवल पे 2^0, इस लेवल पे 2^1, इस लेवल पे 2^2, हर लेवल पे इतनी कॉल्स हैं, टोटल कॉल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप टोटल लेवल्स कैलकुलेट कर लो, टोटल लेवल्स कितने होंगे देखते हैं। यार आप क्यू से q/2 पे जा रहे हो, फिर q^2^2 पे जा रहे हो, फिर q^2^3 पे जा रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कैन आई से दैट? अगर आप फाइनल देखो, अगर ये जीरोथ लेवल है, अगर इसको मैं 2^0 से यहां इवैल्यूएट कर रहा हूं, ये qth लेवल है, यहां से आपने एक जंप मारा, फिर आपने एक और जंप मारा, फिर आपने एक और जंप मारा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहने से समवेयर फाइनली q/2^k-1, राइट? देखो अगर मैं 2^4 के रिस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, 2^4 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग समझे तो ऐसी ही एक्सप्रेशन बनेगी, देखते हैं। 2^4 दो बार कैलकुलेट करेगा किसके लिए? 2^2 के लिए, 2^2 सेम हेयर, और 2^2 किसके लिए कॉल करेगा? 2^1 के लिए कॉल करेगा, राइट? ये लिख सकते हैं हम लोग यहां। तो अगर आप देखो, आप इस लेवल पे थे तो 2^0 कॉल्स थी, यहां पे 2^1 कॉल्स हैं, यहां पे 2^2 कॉल्स हैं, यहां पे 2^3 कॉल्स हैं, देख लो 8 कॉल्स होंगी, 4 यहां पे, ऐसे यहां पे 2^4 कॉल्स हैं, कैन आई से दैट? 2^4 कॉल्स हैं। तो आपने एक्चुअली कितने लेवल ट्रैवर्स किए? ये आपका जीरोथ लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, राइट? ऐसे आप कह सकते हो। और यहां पे मान लो आके आप रुक गए, सो अगर kth लेवल है तो kth लेवल पे वैल्यू 2^k है, राइट? सो टोटल मैं k लेवल्स मान के चल सकता हूं। अगर मैं k लेवल्स मान के चल रहा हूं, सो फाइनली कुछ 2^k पे हम लोग रिड्यूस कर जाएंगे, ठीक है? यहां पे इसको लिख सकते हो आप टेक्निकली 2^0, राइट? ओके,
अब क्यू बाई टू रेस्ट टू द पावर के जब फाइनली हो रहा होगा, जब क्यू बाई टू रेस्ट टू द पावर के हो रहा होगा राइट, तो एक लेवल और नीचे भी जाएंगे टेक्निकली हम, ये क्यू बाई टू रेस्ट पर के कहां पे आ रहा है, जब आप यहां पे पहुंचते हो टू रेस्ट टू द पावर वन पे, बट एक लेवल और आप नीचे जा सकते हो राइट, बिकॉज इसको या तो आप बेस के सेट करके रख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टू रेस्ट पर वन इज टू रेस्ट पर जीरो इंटू टू, ऐसे करके ऑड इवन वाला केस बना सकते हो राइट. बट ओवरऑल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनली फाइनली क्यू बाय टू रेस्ट टू द पावर के विल बी इक्वल टू वन. यहां पे ये लेके चलते हैं कि हम लोग पी रेस्ट टू द पावर जीरो पे रिड्यूस कर देंगे, और सारी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग बात कर रहे हैं राइट. सो पी रेस्ट टू द पावर जीरो वन होगा, क्यू इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर के, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ क्यू टू द बेस टू इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ q टू द बेस 2. तो इसका मतलब टोटल लेवल्स हमारे पास आ गए लॉग ऑफ q टू द बेस 2. अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी हो रही है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड वन फंक्शन कॉल. यहां पे फॉर्मूला चल जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी हो रही है, पहले जीरोथ लेवल पे एक फंक्शन कॉल, फर्स्ट लेवल पे दो फंक्शन कॉल, सेकंड लेवल पे चार फंक्शन कॉल्स, ऐसे हो रहा है. So, can I say 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2, so on and so forth, 2 raised to the power log q, right? Last level पे एक call रहेंगी, इतने number of calls रहेंगी, can I say that? ये हमारी हो जाएगी total number of function calls, हर function call में constant number of operations आप कर रहे हो, खाली multiplication ही करना है, तो constant रहेगा. इस GP का sum क्या होगा, इस GP का sum क्या होगा, first term into 2 raised to the power 2 हमारा multiplicative factor है, number of terms आपके हो गए log q plus 1 types हो गए, log q plus 1 base 2, minus 1 upon 2 minus 1 is already 1 right, what is 2 raised to the power log of q to the base 2 plus 1, so इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 raised to the power log of q to the base 2 and this is minus 1, ये तो constant factor है तो आप avoid कर दो. 2 raised to the power log of q to the base 2 is what, q, so one get 2 into q which is what, order of q, and can I say आपने बेशक अपने function calls को p raise पर q को एक बारी q by 2 और q by 2 में तोड़ा, तब भी overall complexity order of q ही आ रही है. इसका एक बहुत बड़ा reason ये है कि आपने p raise to the power q by 2 को जब एक बारी calculate कर लिया था ना, आप ये value already calculate करके ले आए थे. p raise पर q देखो यहाँ पे एक बारी call मारेगा p raise पर q by 2 के लिए, कुछ computation करके वो p raise पर q by 2 ले आएगा. आप दोबारा जा रहे हैं पी रेस्ट टू द पावर क्यू बाय टू को कैलकुलेट करने के लिए. ये जो रेपिटेशन है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर मान लो ये पी रेस्ट टू द पावर क्यू बाय टू मुझे नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, ये पूरे साइड की ये पूरी की पूरी कॉल्स बच जाती, और ऐसा हर लेवल पे हो रहा होता राइट. तो क्या होगा अगर मैं पी रेस्ट टू द पावर क्यू बाय टू की, या फिर उसके बाद जब पी रेस्ट पर क्यू बाय टू से आप क्यू बाय फोर बना रहे हो, तो हर बारी एक एक कॉल सेव कर लूं, मतलब मैं दो बारी सेम कॉम्प्यूटेशन ना करूं, एक बारी जो कॉम्पिटिशन हो गई उसी को मैं किसी तरह अगर यूज कर लूं, तो क्या मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. यार मुझे 2 रेस्ट टू द पावर 16 लाना है, आप 2 रेस्ट टू द पावर 8 ले आओ और फिर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा. मैं दोबारा दो डायरेक्शन से 2 रेस्ट पावर 8 कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं 2 रेस्ट पावर 8 कैलकुलेट कर लूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा. 2 रेस्ट पावर 8 के लिए मैं 2 रेस्ट पावर 4 कैलकुलेट कर लूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा. 2 रेस्ट पावर 4 के लिए मैं 2 रेस्ट पावर 2 कैलकुलेट करूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा. यहाँ पे मैं 2 रेस्ट पर 1 कैलकुलेट करूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा. और ये क्या टर्म हो गई, ऑड टर्म हो गई. ऑड टर्म के लिए तो मैंने बताया ही था इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 रेस्ट पर 1 माइनस 1 दैट इज 0. ये आपका बेस केस है, सो 2 इंटू 2 रेस्ट पर 0. अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे तुम देख पा रहे हो ऐसा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है कि 2 रेस्ट पर 8 फिर उससे 2 कॉल्स 2 रेस्ट पर 4 के लिए, फिर 2 रेस्ट पर 4 से 2 2 कॉल्स 2 रेस्ट पर 2 के लिए, ऐसा नहीं हो रहा है. आप एक ही बार कॉल कर रहे हो. अब आप देखो आप P से P by 2 जा रहे हो, सॉरी नॉट P, यहां पे Q है, सो Q से Q by 2 जा रहे हो, फिर Q by 4 जा रहे हो, फिर Q by 8 जा रहे हो, so on and so forth, लास्ट में आप Q by 2 raised पर K minus 1 जा रहे हो, और लास्ट में आपको यहां पे वैल्यू कहीं ना कहीं 1 मिल रही है. सो Q by 2 raised पर K minus 1 is 1, Q is equals to 2 raised पर K minus 1, taking log both sides, this is log q to the base 2 is equals to k minus 1, k is equals to log of q to the base 2 plus 1,
एंड इन बिगो टर्म्स दिस इज ऑर्डर ऑफ लॉग क्यू, क्योंकि बेस टू हटा देंगे प्लस वन हटा देंगे. तो देखो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक फिर ये एक फिर ये एक फिर ये एक फिर ये एक, राइट. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम कैलकुलेट करो तो कितनी टर्म्स है तुम्हारे पास, लॉग क्यू टर्म्स है. पिछली बार तुम्हारे पास यहां पे कितनी टर्म्स आ रही थी, एक टर्म यहां, दो टर्म यहां, चार टर्म यहां, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अप्रोक्सीमेटली क्यू टर्म्स आ रही थी, यहां पे लॉग क्यू टर्म्स आ रही है. तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने कर दिया है, राइट. तो अगर मैं इसी तरीके से रेकरेंस लिखूं कि यार मेरे पास एक फंक्शन है एफ जो एक पैरामीटर लेता है पी, एक पैरामीटर लेता है क्यू, ठीक है. ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स पी रेस टू द पावर क्यू. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार एनी हाउ एनी कॉस्ट आप मेरे लिए एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ. तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंसिव लिखता हूं कि यार अगर मान लो क्यू इवन है, अगर क्यू की वैल्यू इवन है तो आप एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ. मेरा खुद का काम क्या होगा, मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा. मैं यहां पे अपना सेल्फ वर्क लिख रहा हूं, रेड से मैं सेल्फ वर्क लिख रहा हूं कि आप अगर मुझे ये पता लग गया कि यार ये वैल्यू कितनी है तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा. और अगर मान लो क्यू ऑड है, क्यू ऑड है, तो आप क्या करो, आप मेरे लिए एफ ऑफ पी कॉमा क्यू माइनस वन बाय टू, अगर क्यू ऑड है तो क्यू माइनस वन इवन होगा, आप क्यू माइनस वन बाय टू का मेरे लिए स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि पी कॉमा क्यू माइनस वन बाय टू क्या होगा. मेरा सेल्फ वर्क क्या होगा, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, राइट. और इसमें पी का मल्टीप्लायर दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे टू रेस्ट टू द पावर फाइव कैलकुलेट करना है, तो आप प्लीज मेरे लिए टू रेस्ट टू द पावर फाइव माइनस वन बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ. इसका मतलब फाइव माइनस वन बाय टू इज वॉट, फोर बाय टू, दैट इज टू. आप मेरे लिए टू रेस्ट पावर टू कैलकुलेट करके ले आओ. मैं पहले टू रेस्ट पावर टू का स्क्वायर कर दूंगा तो ये टू रेस्ट पावर फोर हो जाएगा, और फिर उसमें टू का मल्टीप्लायर दे दूंगा, ये टू रेस्ट पावर फाइव हो जाएगा, दैट्स इट. देखो मैंने दोबारा एक फंक्शन रेफरेंस लिख दिया, इसको साफ साफ लिखते हैं. सो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बाय टू होल स्क्वायर इफ क्यू इज इवन एंड पी इंटू एफ ऑफ p कॉमा क्यू माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर. लेट्स लिखते हैं p इंटू दिस का होल स्क्वायर इफ q इज ऑड एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट. बेस केस हमारा सेम रहेगा, बेस केस सेम रहेगा कि भाई q की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो आंसर हमारा वन है. और अजम्पशन क्या है कि यार आप किसी भी तरह पी रेस पर क्यू बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ. मेरे को टू रेस पर 16 मान लो निकालना है, तो आप किसी भी तरह मेरे लिए टू रेस पर 8 ले आओ, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, दैट्स इट. और इस वाले फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ क्यू होगी, विच इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट. तो अगर मैं इसे कोड करने की कोशिश करूं, पावर रिकर्सिव ऑप्टिमाइज्ड डॉट सीपीपी. ये लास्ट वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा एडवांस लगे कुछ लोगों को, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बारी दोबारा भी वॉच कर सकते हो अगर एकदम से लगा कि अरे ऑप्टिमाइज कैसे हो गया. मैं ऑप्टिमाइजेशन एक बारी दोबारा भी बताऊंगा, डोंट वरी. सो मैंने बेसिक बॉयलर प्लेट रेडी कर लिया. मैं एक फंक्शन लिखूंगा एफ और मुझे चाहिए टू रेस्ट टू द पावर फाइव, सी आउट रिजल्ट, ठीक है. चलो तो मैं क्या कहता हूं, एक फंक्शन लिखते हैं इंट एफ जो कि दो पैरामीटर लेगा, इंट पी इंट क्यू. देखो दो पैरामीटर ले रहा है पी कॉमा क्यू. सबसे पहले बेस केस, सबसे पहले बेस केस क्या भाई, अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो कुछ भी पावर लगानी है. अगर क्यू की वैल्यू जीरो मतलब एक्सपोनेंट जीरो है, आंसर वन हो जाएगा. अदरवाइज इफ क्यू मॉड टू इज डबल इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स इफ क्यू इज इवन, इफ क्यू इज इवन, तो आप क्या करोगे, आप एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ. इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ
पी कॉमा क्यू बाय टू, राइट। आप एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बाय टू कैलकुलेट करके ले आओ। मेरा क्या काम है, मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करना तो आसान है, राइट। आप रिजल्ट को रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। एल्स इफ क्यू मॉड टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स इफ क्यू इज ऑड, if q is odd, int result is equals to f of p comma q minus 1 by 2. आप p comma q minus 1 by 2 calculate करके ले आओ। और मेरा खुद का टास्क क्या होगा, see, if q is odd, तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा और p से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो p into result, that's it, देखो सही चलेगा। चलो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद ड्राई रन करेंगे। 2 रेस टू द पावर 5 सही आ रहा है, 32 आ रहा है। अगर मैं 2 रेस टू द पावर 4 कर दूं, देखो 16 आ रहा है, सही लग रहा है। 3 रेस टू द पावर 4 कर दूं, 81 आ रहा है। सो काफी एफिशिएंटली कोड कर लिया हमने। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग क्यू। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है लॉग क्यू, एक बार दोबारा मैं बताना चाहूंगा। ऐसे रेफरेंस बनाते हैं, f ऑफ p कॉमा q इज इक्वल्स टू f ऑफ p कॉमा q बाय टू मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ p कॉमा q बाय टू। सो दो मैनुअल फंक्शन कॉल्स हो गई यहाँ पर, राइट। अगर दो मैनुअल फंक्शन कॉल्स हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप p रेस टू द पावर q से p रेस पर q बाय टू एक बार ही कैलकुलेट करके ला रहे हो, और फिर दोबारा जा रहे हो p रेस टू द पावर q बाय टू कैलकुलेट करने। दो मैनुअल फंक्शन कॉल्स है, राइट। सिमिलरली फिर आप q बाय फोर भी कैलकुलेट करके लाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जीरोथ लेवल पे आपके पास टू रेस टू द पावर जीरो टर्म्स है, मतलब टू रेस टू पावर जीरो फंक्शन कॉल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे टू रेस पावर वन फंक्शन कॉल है, सेकंड लेवल पे टू रेस पावर टू फंक्शन कॉल्स हैं। लास्ट लेवल क्या होगा, लास्ट लेवल होगा लॉग क्यू। तो आपके पास टू रेस टू द पावर लॉग क्यू फंक्शन कॉल्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली, राइट। लास्ट लेवल आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, आप भाई क्यू से क्यू बाय टू जा रहे हो, क्यू बाय फोर जा रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली टू रेस पर वन के आसपास जाओगे। इस वन को आप लिख सकते हो क्यू बाय टू रेस टू द पावर के। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी के की वैल्यू क्या हो गई, लॉग क्यू। के आपके लेवल्स हैं, राइट। तो अगर के लेवल्स हैं, सो टू रेस पर लॉग क्यू माइनस वन, टेक्निकली टू रेस पर के माइनस वन टर्म्स होती है, राइट। सो हर लेवल पे इतनी फंक्शन कॉल्स है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स की, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इनटू टाइम टेकन बाय वन फंक्शन कॉल। अब एक फंक्शन कॉल में, तो आप यहां पे देखो क्या होगा, अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, हर चीज कांस्टेंट है, कोई लूप वगैरह तो है नहीं। तो एक फंक्शन कॉल तो आपस में कांस्टेंट में ही चल रही है, फर्क किसका है, टोटल फंक्शन कॉल्स का। टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हो जाएंगी, टू रेस पर जीरो प्लस टू रेस पर वन प्लस टू रेस पर टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टू रेस टू द पावर लॉग क्यू माइनस वन, दिस इज व्हाट जीपी, फर्स्ट टर्म इनटू टू रेस पर नंबर ऑफ टर्म इज लॉग क्यू base 2 minus 1 upon 2 minus 1 is 1. 2 raised per log q to the base 2 is what? Q minus 1, which is approximately order of q. अगर number of terms या number of functions calls q minus 1 है, हर function call में आप constant task कर रहे हो, तो q minus 1 into constant is what? Order of q. Whereas, हमने जो करा, उसमें आप p raised to the power q से, बस p raised per q by 2 calculate करके लाए, मैंने इसी answer को reuse कर लिया. Reuse कैसे करा? मैंने इसका square कर दिया. फिर आप p रेस पर q बाय फोर कैलकुलेट करके लाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली p रेस पर लेट से वन कैलकुलेट करके लाए। तो इस लेवल पे एक फंक्शन कॉल, इस लेवल पे एक फंक्शन कॉल, इस लेवल पे एक फंक्शन कॉल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनल लेवल पे एक फंक्शन कॉल। सो टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हो गई, वन प्लस वन प्लस वन, हाउ मेनी टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, टोटल लेवल्स कितने हैं, लॉग q लेवल है। सो यहाँ पे टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ लॉग q हो गई। और एक फंक्शन कॉल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक फंक्शन कॉल कांस्टेंट है, इफ के चेक्स हैं, फंक्शन की कॉल है और मल्टीप्लिकेशन है, सो ये कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली सी प्लस प्लस में ट्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सो यहां मैंने डीबग पॉइंटर लगाया, डीबग करते हैं, ठीक है। चलो तो हम कॉल करने वाले हैं एफ ऑफ थ्री कॉमा फोर के लिए, तो चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। सो q की वैल्यू, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 4, क्या 4 जीरो के बराबर है, नहीं है। क्या 4 मॉड 2 जीरो है, क्या 4 एक
इवन नंबर है, जी हाँ 4 एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे भाई, आप जाओ f ऑफ p बाय q बाय p कॉमा q बाय 2 ले आओ, 3 कॉमा 4 के लिए 3 रेज पर 2 ले आओ, मैं बाद में आके उसको स्क्वायर कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दी, तो देखो यहाँ पे अभी तक एक ही f की कॉल थी, अब यहाँ पे एक और f की कॉल होगी 3 कॉमा 2 के लिए। चलो क्या 2 0 के बराबर है? नहीं है। क्या 2 एक इवन नंबर है? जी हाँ। तो अब आप जाओ p कॉमा 2 बाय 2 ले आओ, देखो तो आप 3 कॉमा 1 के लिए आ गए, ओके। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं। क्या 1 एक इवन नंबर है? नो। सो आप एल्स में आ गए, एल्स में आपने क्या कहा कि भाई आप मेरे लिए q माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 इज व्हाट 0, सो आप मेरे लिए p कॉमा 0 कैलकुलेट करके ले आओ। देखो तो 3 कॉमा 0 जा रहे हैं, अब यहां पे q की वैल्यू 0 है, तो आपने रिटर्न क्या कर दिया 1, सो आपने रिटर्न कर दिया 1। आप पुरानी फंक्शन कॉल पे वापस आ गए जिस पे ऑड थे आप, मतलब q की वैल्यू 1 थी, तो रिजल्ट वेरिएबल में क्या भरा है? 1 भरा है, क्योंकि p रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो रिजल्ट इज 1, सो 1 * 1 इज 1 * p, सो 1 * 3 इज 3 एंड 3 रेज़ पावर 1 इज व्हाट 3, सो आपने यहां से 3 रिटर्न कर देना है। सो आप यहां पे आ गए, आपको 3 रिटर्न वैल्यू मिली है, देखो रिजल्ट में आपको 3 मिला है, 3 * 3 इज व्हाट 9, आपने यहां पे 9 रिटर्न कर दिया और 9 वैल्यू मिल गई, 9 * 9 इज 81, यहां पे आपको फाइनल वैल्यू 81 मिल जाएगी एंड दैट्स इट। प्ले कर देते हैं, देखो 81 प्रिंट हो रहा है, सही लग रही है अप्रोच। तो हमने ना सिर्फ एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा बल्कि उसको ऑप्टिमाइज करने की भी कोशिश करी कि ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब यहां पे एक टास्क है आप लोगों के लिए, मैंने सारे क्वेश्चंस के ड्राई रन बाय हैंड करके दिखाए, लास्ट वाली अप्रोच का भी हमने ड्राई रन कराया, बट अब मैंने डायरेक्टली डीबगर से ड्राई रन कराया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू ट्राई द ड्राई रन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक बार इस क्वेश्चन का आप ड्राई रन कर लोगे, इसमें थोड़े इफ के चेक्स हैं, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रिकर्जन के ऊपर आपको और स्किल हो जाएगा, थोड़ी सी और मास्टरी हो जाएगी, राइट। सो आई होप कि आज के ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। दोनों प्रॉब्लम्स मैं कहूंगा कि बिगिनर के लिए अच्छा इंट्रोडक्शन लेकर आती हैं रिकर्जन के सेंस में। आपको ये जानने की जरूरत है कि रिकर्सिव इंट्यूशन हमने बनाई कैसे, रिकरेंस रिलेशन कैसे बनाया, सोचा लॉजिक ही है, देखो सोचा लॉजिक ही है, बट उस लॉजिक को सोचने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग बेस केस की, रिकर्सिव इंट्यूशन की, सेल्फ वर्क की, ये डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, और यही हम लोग एजेंडा लेके चलेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में भी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, राइट। सो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, रिकर्जन और एरेज देखेंगे। अभी देखो जो भी रिकर्जन हमने करी उसमें कहीं से भी हमने एरे या स्ट्रिंग्स को इंक्लूड नहीं करा है, तो रिकर्जन ऑन एरेज के ऊपर बात करेंगे, रिकर्जन ऑन स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे, ये सारी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, राइट। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहा है लेक्चर के रिगार्डिंग, सो कमेंट करके फटाफट से अपने डाउट पूछ लो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द रेलेवेंट डाउट्स, राइट। अगर वीडियो बढ़िया लगी सो डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक, और पीडब्ल्यू स्किल्स के चैनल को और पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, असाइनमेंट्स हैं उस पर अपलोडेड, ट्राई करो असाइनमेंट जो भी हम लोगों ने पढ़ाया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आज भी जो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं दोनों का कोड खुद से करो, एक बारी पेन और पेपर उठा के सबका ड्राई रन खुद से करने की कोशिश करो, यू विल गेट अ बेटर क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। दैट बीइंग सेड आज के लेक्चर को हम लोग रैप अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।